नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देशराज कर्णवाल और प्रणव चैंपियन के ऑन कैमरा जांच होगी और विवाद से जुड़े जुटाए जाएंगे सभी तथ्य। बयानों के आधार पर पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। ये समिति पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार करेगी तो लगभग 15 दिन में पूरी की जाएगी जांच। तो बयानों के आधार पर पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा समिति के द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑन कैमरा अब इसकी जांच होगी तो लगभग 15 दिन में जांच पूरी हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैंपियन और देशराज की जांच अब ऑन कैमरा होगी और विवाह से जुड़े जो सारे के सारे तथ्य हैं वो जुटाए जाएंगे। चैंपियन और देशराज की के विवाद को लेकर जांच। अमरीश हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरीश, अब ऑन कैमरा इस पूरे मामले की जांच होगी, तथ्य जुटाए जाएंगे, क्या कोई जानकारी? देखिए नलिनी, जिस प्रकार देशराज कर्णवाल और चैंपियन के बीच विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसको जो है गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्य टीम बना दी गई थी यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, और साथ में जो है ये जो इसके संयोजक है खजान दास जो राजपुर विधायक भी है, उन्होंने जो है इसका जिम्मा पूरा लिया है। और अब जिस तरीके से, क्योंकि ये मामला जो है चैंपियन के द्वारा कल रिपोर्ट भी कराई गई थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इससे जो है भाजपा की छवि खराब हो रही है प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस भी जो है लगातार जो है इस पर हावी हो रही है, विपक्ष जो लगातार जो है कभी पुलिस रिपोर्ट कर रहा है कभी कुछ, उस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो थे उन्होंने समिति जो बनाई थी, आज खजानदास जो है उस समिति की जो अंतर्गत जो 3 सदस्य समिति है वहां पर मामले की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, लोगों के बयान ले रहे हैं, दोनों पार्टी दोनों के जो है बयान लिए जा रहे हैं विधायकों के, और ये सब जो है कैमरे के साथ किया जाएगा। नलनी बिल्कुल अवनीश, 15 दिन लग जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया में और 15 दिन बाद सब कुछ साफ हो पाएगा, उसके बाद क्या कुछ होगा? देखिए नलनी, जिस प्रकार यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस जो है ये जांच कमेटी जो है अपना काम कर रही है, हालांकि जो है प्रदेश अध्यक्ष जो अजय भट्ट है उनका भी कहना है कि हो सकता है समय ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि कुछ विधायक वगैरह जो कुछ सदस्य हैं वो दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए गए हुए हैं तो समय भी लग सकता है, परंतु जिस तरीके से जो निष्कर्ष सामने आएगा और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अवनीश, कांग्रेस लगातार रुख इख्तियार किए हुए है और लगातार मांग भी कर रही थी, गिरफ्तारी के प्रदर्शन की भी मांग कर रही थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर सकती है। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें जो है जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस जो है लगातार जो है हावी हो रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को और भाजपा को घेरने की लगातार यहाँ पे कवायद चल रही है, और बयानबाजी की बात करें जहाँ तक, जिस प्रकार अब रिपोर्ट की बात करें और कौन प्रणव जो चैंपियन है उन्होंने भी जो है धमकी तक दे डाली थी उसको देख लेने की कर्णवाल को, उस मामले कोई गंभीरता को लेते हुए और जिस तरीके से भाजपा जो है अपना कार्य प्रणाली है उस पर भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पे विपक्ष के द्वारा लगातार जारी है। बिल्कुल अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 दिन में ये जांच पूरी हो जाएगी और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 15 दिन से ज्यादा का भी वक्त इसमें लग सकता है। विवाद से जुड़े सारे के सारे तथ्य वो जुटाए जाएंगे और ऑन कैमरा आप दोनों की जांच होगी। तो 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी जांच की प्रक्रिया। चैंपियन और देशराज की अब ऑन कैमरा जांच होगी, इसी को लेकर 15 दिन से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से रुख इख्तियार किए हुए है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 15 दिन का वक्त लग सकता है जांच प्रक्रिया में। चैंपियन और देशराज की अब ऑनलाइन जांच होगी, विवाद से जुड़े सारे के सारे तथ्य अब जुटाए जाएंगे। देशराज कर्णवाल और चैंपियन की अब जांच होगी, वो भी ऑन कैमरा, और ऑन कैमरा जांच में सारे तथ्य जुटाने में अब 15 दिन का वक्त, या फिर यूं कह ले कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। चैंपियन और देशराज के बीच का जो विवाद है वो अब बढ़ता ही चला जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि छवि खराब करने का काम ये पूरा मामला कर रहा है और इसीलिए अब ऑन कैमरा जांच की मांग यहां पर की गई है। ऑन कैमरा जांच होगा, 15 दिन का वक्त लगेगा इसमें, 15 दिन से ज्यादा का भी वक्त लग सकता है और उसके बाद ही जो भी कुछ मामला है वो साफ हो पाएगा। पूरी प्रक्रिया में 15 दिन का वक्त लग सकता है, तथ्य जुटाने में, जांच करने में इसमें समय लग सकता है और 15 दिन से ज्यादा का भी वक्त लग सकता है। विवाद से जुड़े सारे तथ्य जुटाए जाएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अवनीश गुप्ता एक बार फिर से।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, चैंपियन और देशराज का ये जो विवाद है वो अब बढ़ता ही चला जा रहा है, 15 दिन का वक्त लगेगा, जैसा कि आपने भी बताया था कि 15 दिन से ज्यादा का भी टाइम लग सकता है, और इसी बीच अब बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। जी ललनी, जिस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो अभी विपक्ष की बात करें, कांग्रेस लगातार जो है पुलिस की शरण में जा रही है, कोर्ट तक की जो है धमकी दे रही है कि कोर्ट में भी जाएंगे, अवमानना का नोटिस भी देंगे। साथ में इसको लेते जो है बीजेपी जो है गंभीर है इस मामले को लेकर, और उन्होंने जिस प्रकार यहाँ पे सदस्य की तीन सदस्य रोकना चाहेंगे। अवनीश, आपको बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी विधायकों के विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मामले में खजानदास कमेटी ने अब जांच भी शुरू कर दी है, और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी ये टीम पूरी की पूरी बनाई है जिस पर जांच होनी है। बीजेपी विधायकों के विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो खजानदास कमेटी ने जांच शुरू कर दी। अवनीश जी, देखिए खजानदास की बात करें, खजानदास जी ने अपना यहाँ पर जो है जांच शुरू कर दी है। उनके जो बयान लिए जा रहे हैं, दोनों विधायकों के बयान के साथ साथ उनके जो है मॉनिटरिंग के लिए कैमरे के ऑन कैमरा उनसे बयान लिए जा रहे हैं, और जो भी निर्णय होगा, क्योंकि अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, दोनों के बयान ले रहे हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, और उसको देखते हुए अब देखना होगा नली की किस प्रकार जो है आगे इस मामले को जो है ले जाया जाए, क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर हो गया है और बीजेपी भी इस पे पूरी गंभीरता से जो है जांच कर रही है। बिल्कुल अवनीश, जैसे कि आपने भी बताया कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, कोई भी लूपहोल इसमें ना देखने को मिले, ऐसे में जो टीम गठित की गई है वो कितना ज्यादा पुख्ता बताई जा रही है कि उसमें कोई लूपहोल ना देखने को मिले। जी देखिए ललित, जिस प्रकार अगर खजानदास की बात करें और दो और सदस्य इसमें जोड़े गए हैं, वो अपने में जो है बड़ी अहमियत रखते हैं, कद्दावर नेता हैं, और पुराने जो है इस मामले को जो देखने की बात जो लगातार कवायद की बात कर रही थी, खजानदास जी ने लगातार इस पर जो है जांच की है, पहले भी पूर्व में भी वो इस मामले को जो है देख चुके थे, और क्योंकि ये मामला जो है सीएम ने भी एक बार जो इसमें मध्यस्थता करी थी, परंतु कोई हल ना निकलने की वजह से यह निर्णय जो है बीजेपी प्रदेश द्वारा लिया गया है। बिल्कुल अवनीश, और कल एक वीडियो भी जारी किया गया था, और कोर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको देख लेंगे, ऐसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया था वीडियो में, तो क्या लगता है कि विवाद अभी थमने का नाम नहीं लेगा? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, जिस प्रकार यहाँ पर अब अगर देखा जाए जो प्रणव चैंपियन है वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, और उनके द्वारा जिस प्रकार धमकी देख लेने की भी दी थी, तो ये एक मामला और भी बनता है, क्योंकि देशराज कर्ण भी अब करवाल के फेवर में जो है, त्यागी जी जो है वहां के कद्दावर नेता है, त्यागी समाज का इसमें बड़ा रोल रहा है, त्यागी समाज ने भी कल जो है सरकार तक को धमकी दे दी थी कि अगर त्यागी समाज को जो है अकेला समझा गया या करवाल को अकेला समझा गया तो सरकार तो टीम गठित हो गई है, और विधायकों को फिलहाल शांत रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। 15 दिन का वक्त इसमें लगेगा, आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। अवनीश गुप्ता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के सीजन की शुरुआत हो गई है, और इस सीजन में देश विदेश से कई पर्यटक हरिद्वार से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब ऐसे में हरिद्वार में जाम की स्थिति बन जाती है, इन सबको ये जो सारी परेशानी है उसको देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन के लिए तिभिया वाहनों पर रोक लगा दी है, लेकिन छोटे वाहन पदाधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जहां पर यात्रियों को 20 रुपए देना पड़ता था, वहीं पर अब यात्रियों को 80 रुपए देना पड़ रहा है। छोटे गाड़ियों पर रोक लगाने के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नरेश तोमर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, चारधाम यात्रा में जाम को देखते हुए निर्देश यहां पर दिए गए हैं, तिपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है, जो तिपहिया वाहन के मालिक है उनका क्या कुछ कहना है? लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से उनकी रोजी रोटी पर पाबंदी लगा दी गई, इससे भारी नुकसान उनके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो यात्रियों को लगभग 20 रुपए के आसपास हरिद्वार लोकल हरिद्वार में छोड़ दिया करते थे, वहीं देखा जाए तो अब जो बड़े वाहन हैं वो उनसे 80 रुपए 100 रुपए ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को इससे भरपाई करनी पड़ रही है, वहीं उनकी रोज रोजी पर भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से शनिवार इतवार को यात्रा सीजन के दौरान हरिद्वार में जाम की स्थिति बन जाया करती थी, उसको निजात दिलाने के लिए ये प्लान बनाया गया है। जी बिल्कुल नरेश, तो उमर साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि तिपहिया वाहनों पर तो रोक लगा दी है, कौन से ऐसे वाहन है जो जा सकते हैं? देखिए तिपहिया वाहन, क्योंकि आजकल आपने ये जो शहरों में जो ऑटो है, छोटे ऑटो है और जो ई रिक्शा है उनकी काफी संख्या हो गई थी, उनसे जाम की स्थिति बना सकती थी, लेकिन जो फोर व्हीलर है, कार है, टेम्पो ट्रेवलर है,
इस तरह के वाहन को छूट दे दी गई है, यानी कि वो चलेंगे। ठीक है, फिलहाल तिपहिया वाहनों पर ही रोक लगी है। नरेश तोमर आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी पर्यटन विभाग के द्वारा चार धाम का गलत रूट दर्शाए जाने पर हरिद्वार के ट्रैवल वासियों में काफी ज्यादा रोष है, तो टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने बैठक करके तत्काल कार्रवाई की मांग की है। और ट्रैवल व्यवसायियों का कहना है कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, लेकिन पौड़ी गढ़वाल पर्यटन विभाग सोशल मीडिया पर जारी हुई मानचित्र में हरिद्वार और ऋषिकेश के रास्तों को अवरुद्ध दर्शा रहा है। तो ट्रैवल व्यवसायियों ने इसे षड्यंत्र करार करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान ले और उसकी उच्च स्तर जांच करके दोषियों को सजा विधे। तो गलत रूट दर्शाए जाने से ट्रैवल वासियों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मांग की है कि ये जो रूट दर्शाया गया इस पर वो काफी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच करके इस पर कार्रवाई बनती है। ट्रैवल वासियों में इसको लेकर काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। तो गलत रूट दर्शाए जाने से ट्रैवल जो वासी हैं उनमें काफी रोष है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत रूट जो दर्शाया गया है वो नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल जो व्यवसायी हैं वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, ट्रैवल व्यवसायियों में रोष है। नरेश तोमर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। नरेश तोमर, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं वो काफी ज्यादा रोष में है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो गलत रूट दिखाया गया है उससे उनको नुकसान हो रहा है। नीचे तो से नवीन, जिस तरह से देखा जाए तो जो उत्तराखंड है, देवभूमि है और उसका जो मुख्य द्वार हरिद्वार ही माना जाता है, वहीं जिस तरह से जो मानचित्र में ये दर्शाया गया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश से रास्ता चारधाम यात्रा के लिए नहीं जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो ट्रैवल व्यवसायी है उनको काफी नाराजगी है। उन्होंने साफ तौर पर इसकी मांग सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से मानचित्र दर्शाने से जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाएंगे और यात्रा पे इसका बहुत भारी फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तोमर तमाम जानकारी के लिए। तो गलत रूट दर्शाए जाने से ट्रैवल व्यवसायियों में काफी ज्यादा रोष है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की मांग उन्होंने की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी झूले पर बैठने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट देखें। वैसे मेले के बारे में सुनकर आपके जहन में भी बड़े बड़े झूलों का ख्याल आता होगा, लेकिन जरा सोचिए किसी झूले पर आप बैठने की सोच रहे हैं और वो आपके लिए कितना सुरक्षित होगा। जब झूले वाली मस्ती आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं शायद उसके बाद आप भी मेले में झूले पर बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे झूले ने रफ्तार अभी पकड़ी ही थी कि झूले की एक ट्रॉली आसमान में लहराती हुई जमीन पर आ गई। दरअसल ये मामला काशीपुर का है, जहां एक मेले में झूला टूटने की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखते ही देखते लोगों के लिए मेले में मस्ती परेशानी का सबब बन गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते झूले की ट्रॉली जमीन पर आ गिरी। हादसा इतना जबरदस्त था कि लोगों के दिल की धड़कनें थम गई, सांसें रुक गई। हालांकि झूले की ट्रॉली के टूटने की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट एफएम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मई से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है और यात्रा के सभी मार्गों पर, खास करके संवेदनशील रास्तों पर SDRF की जो टीम है, जो जवान है, उन्हें तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी दुर्घटना से तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। और इसके साथ ही SDRF की 2 टीमें यात्रा मार्गों के लिए रवाना भी कर दी गई हैं, जो कि पैदल मार्ग से होते हुए बद्री केदार के धाम पर पहुंचेंगी। आपको बता दें कि इस टीम को पहली बार यात्रा में भेजा गया है ताकि अगर मुख्य राजमार्ग किसी भी कारणवश बाधित रहे तो फिर
पैदल मार्ग के लोगों के लिए यह विकल्प बना रहे। तो एसडीआरएफ की दो टीमें गठित कर दी गई हैं और 7 मई से ये चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने साध्वी प्रज्ञा को नसीहत देते हुए कहा है कि साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे पर जो टिप्पणी की है वो बेहद ही गलत है। श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को बोलने से पहले सोचना चाहिए था और वो क्या बोलने जा रही हैं इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए थी। हरिद्वार प्रवास पर पहुंचे श्री महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि साध्वी होने के नाते मैं उनको समर्थन तो करता हूँ लेकिन उनके बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। साथ ही श्री महंत ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की जीत की ईश्वर से कामना की है। तो साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी को पूरी तरीके से गलत बताया महंत ने। साध्वी प्रज्ञा जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं एक वह एक संत साध्वी हैं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ लेकिन इस बात का नहीं करूँगा कि मैं किसी को शराब दिया वो मर गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वो साध्वी हैं, मैं उनका पूरी तरह समर्थन करता हूँ और भोपाल में वो जीतेंगी ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वही लक्सर के फतवा गांव में पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारकर कच्ची शराब बना रहे कुछ लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक गैस सिलेंडर साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद कर ली है। बता दें कि प्रदेश में कच्ची शराब अवैध है, बावजूद इसके आरोपी लंबे वक्त से कच्ची शराब बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। कच्चे शराब बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके पास से जखीरा जो अवैध शराब का था उसे भी बरामद कर लिया गया है। लक्सर पुलिस को ये बड़ी और अहम कामयाबी हाथ लगी है। वही हरिद्वार के डीएम दीपक रावत ने रानी माजरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास साथ ही प्राथमिक और जूनियर विद्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम दीपक रावत ने बालिकाओं से उनके मोटिवेशन और करियर के बारे में बातचीत की है। वहां पर विद्यालय में शौचालय और दरवाजा नहीं होने पर नाराजगी भी व्यक्त की है, साथ ही खराब पंखों को जल्द ही ठीक कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो शौचालय और दरवाजा ना होने पर वहां पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है, खराब पंखों को ठीक कराने के निर्देश दे दिए हैं। काफी समय से ये मुद्दा पेंडिंग है कि सिडकुल के लिए एक ऑल्टरनेट रोड होना चाहिए जिससे कि हमारे रोजमर्रा के आने वाले व्हीकल्स भी और भविष्य में जो एक यहाँ पे इंडियन कंटेनर डिपो बनना है उसके लिए एक ऑल्टरनेट रूट रहे। तो आज इसका हमने निरीक्षण करा है जिसमें कि जो लैंड है कुछ तो सिडकुल की अपनी है, कुछ लैंड जो है बीएचएल को इसमें देनी पड़ेगी और काफ़ी फ़ायदा इससे यहाँ पे हमारे जो फैक्ट्री में ओनर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उन सबको होगा। तो इसकी डीपीआर सर्कल द्वारा बनाई गई है, आगे इसमें जो आगे अग्रिम कार्रवाई होनी है उसको हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायसी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी लक्सर से मुरादाबाद की ओर जाने वाली एक मालगाड़ी की चपेट में वो आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे हैं, पुलिस को जानकारी दी है और पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव देने की मांग करने लगे वो लोग। और लेकिन पुलिस ने मृतक के परिजनों को पहले जिला अधिकारी से अनुमति लेने की सलाह दे दी है। जिलाधिकारी से अनुमति लेने की सलाह पहले दी है उन्होंने। रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हम पोस्टमार्टम की मांग नहीं करते हैं, आप हमें शव दे दीजिए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले नहीं माने। पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने कब्जे में शव को ले रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही परिजनों को सौंपा जाएगा। बागेश्वर में बिन मौसम बरसात और ओले पड़ने के कारण गेहूं और अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बिन मौसम बरसात से जिले के खेती बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है और फसलों में गेहूं, जौ और मसूर के तैयार फसलों को अधिक नुकसान पड़ा है। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया है कि कृषि प्रभारियों द्वारा तमाम इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिला प्रशासन को स्थिति से पूरी तरीके से अवगत कराया जा सके। तो गेहूं और जौ साथ ही जो मसूर की दाल है
उसकी खेती पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वही हरिद्वार में नाबालिग बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जांच भी तेज कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस ने संदेह पर एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये लड़की के साथ हादसा हुआ है, ये मेरी भतीजी है और ये लड़की कल 4:30 बजे से गायब थी। इस टाइम पे उस आरोपी को देखा, पकड़ा, लेकर गए इधर से ढूंढते 4 बजे, तो लड़की 3-4 घंटे हो गए ढूंढते पता नहीं लगा। फिर थाने में सूचना दी, यहाँ गए उत्तराखंड पुलिस थाने में, कहने लगी हमारे एरिया में नहीं है, उसमें जाओ बात। नहीं तो यहाँ ये लड़की कैसे पहुँची है? यहाँ ये गेहूँ काट रहे थे यहाँ पे। अच्छा, गेहूँ की गेहूँ काटने और कौन कौन थे साथ में इसके? ये इसकी मम्मी पापा थे लड़की के। अच्छा, तो चार बजे से पहले चार बजे से ये गायब हो गई थी यहाँ से ही। तो वही मसूरी में पिक्चर पैलेस, स्कूल और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खुल रही हैं, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है और दुकान को बंद भी करवा दिया। इस मौके पर बीजेपी नेता धर्मपाल पवार, साथ ही हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कुलदीप जगबार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान के 50 मीटर की दूरी पर छोटे बच्चों का स्कूल, मंदिर और गिरजाघर आता है। वहीं नियम के अनुसार शराब की दुकान स्कूल और धार्मिक स्थलों से कम 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। दो वर्ष पहले हमने एसडीएम के माध्यम से कहा था कि दुकानें, मंदिर, मस्जिद, चर्च इनको दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी आश्वासन दिया था कि भैया नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने पिछली बार 18-19 में कोई भी दुकान मंदिर के आसपास नहीं खुली, लेकिन जो गलती पहले करते आ रहे हैं वो गलती उन्होंने दोबारा कर दी है और आज हम सब लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए हैं दुकान बंद कराने के लिए। दुकान हमने बंद करा दी, इसके बाद ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से उसे इकट्ठा होगी, उससे क्या हो सकता है, दुकान जहाँ मर्जी खुली, लेकिन ये किसी भी मंदिर के आसपास ये दुकानें नहीं खुलने देंगे। हमारा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, बराबर में बिल्कुल ठीक से मैं समझता हूँ 50 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पे स्कूल है जो कि नियमों के विरुद्ध है, ठीक है, और चर्च भी यहाँ पर है, उसके सामने इन लोगों ने दुकान चालू कर रखी है अपनी शराब की। हमने आबकारी अधिकारी से बात की थी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था कि जो है नियमों के विरुद्ध है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव मतदान खत्म होने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते सभी बीएलओ को डोईवाला विकासखंड में जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है और जनगणना से संबंधित सामग्री स्टेशनरी में मुहैया करा दी गई है। वही दूसरी ओर कल से मतदान सूची बनाने वाले बीएलओ ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बीएलओ का कार्य कराती है और उसकी एवज में उन्हें उनका सभी मेहनताना भी नहीं मिलता है। ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, इसमें हमारा जो संगणक है ये घर घर जाके वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू कर रहे हैं और आगामी 20 दिनों तक ये घर घर जाके काम करेंगे। उसके बाद साथ साथ ये पांडुलिपि बनाएंगे और 3 दिन के अंदर उसके बाद हमारी पांडुलिपि तैयार हो जाएगी। तो लगभग 20 दिन के अंदर हमारा जो घर घर जाने का कार्यक्रम है, संगणक जो बीएलओ के रूप में काम करता है वो घर घर जाएगा और सभी वोटर्स का डाटा जुटा के वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए इसके साथ फिलहाल उत्तराखंड समाचार में इतना ही, लेकिन एफएम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।